विदर्भ के युवाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए सेफ राइड कैब सर्विस ऐप शुरू की है, जबकि देश भर में कोरोना प्रचलन में है। इससे नागपुरकरों के पैसे बचेंगे, लेकिन कैब ड्राइवर भी अब अधिक लाभ कमाएंगे। वर्तमान में अनेकों कंपनियां नागपुर में सेवाएं दे रही है, लेकिन समय समय पर उनकी दरों में बदलाव होता रहता है और कैब ड्राइवर कंपनियों को 25% से 40% तक कमीशन देना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कैब ड्राइवर उग गए और अक्सर हड़ताल का सहारा लेते हैं। लेकिन अब कैब सेवा कंपनियों ने कैब ड्राइवरों को लॉलीपॉप दिखाया। अब हालांकि सेफ राइड कैब ने अन्य कैब सर्विस मालिकों के लिए एक बड़ी योजना बनाई है और जिसमें लगभग 150 सेफ कैब राइड में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सेफ राइड कैब आने वाले वर्षों में ड्राइवरों के जीवन में नई क्रांति लाएगा और साथ ही उन कंपनियों पर भी अंकुश लगाएगा जो कैब चालकों का शोषण करती है। उनसे कर वसूला जाता है, बाकी कमाई कैब ड्राइवरों का अधिकार होगा। जी, देश में सेफ राइड कैब के बारे में बताया जाता है कि इसमें कई पहलुओं पर देश सेवाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इस दौरान इसमें कई त्रुटियां भी पाई गई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या कैब चालकों की जबरन वसूली थी। इसी को रोकने के लिए देश में सेफ राइड कैब सेवा शुरू किया जा रहा है। नागपुर में सेफ राइड सेवा शुरू करने का अनुरोध करने वाले देश भर के विभिन्न ड्राइवरों से फोन आ रहे हैं। कंपनी के सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर मोहनीश लांजेवार ने कहा कि सेफ राइड नेटवर्क को देश में उतारा जाएगा। अन्य कैब सेवाओं की तुलना में 30% तक सस्ती सवारी सेफ राइड के जरिए 1,00,000 का रोजगार दिया जाएगा। सेफ राइड कैब सेवा का उद्घाटन नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था। विधायक प्रोफेसर अनिल सोले युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहे हैं। उनके यूथ एम्पावरमेंट समिट में सेफ राइड कैब का उद्घाटन किया गया। हम इस अवसर के लिए उनके आभारी हैं। विदर्भ के 5 लोग अनिकेत तिड़के, मोहनीश लेंगवार, उदय पोफली, थानेश्वर ब्राह्मण और रवि देवर ने सेफ राइड कैब सॉफ्टवेयर भी बनाया है। इसमें ड्राइवर नहीं निकाले जाएंगे। आपको बता दें कि अनिकेत तिड़के ने कि देश भर में कई कंपनियां हैं जो कैब सेवा प्रदान करती हैं और कुछ कंपनियां शुरू में विभिन्न प्रलोभन से मॉडल विकसित करती हैं जो देकर कैब ड्राइवर को कंपनी में कम कमीशन के साथ भी व्यापार शामिल करती है। उसके बाद पता चल जाता है कि कुछ बिंदुओं पर कार चल पाती है या नहीं। अगर कोई ड्राइवर 100 रुपए में यात्रा कर रहा है तो उसे कंपनी को 25 रुपए से 40 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है और शेष 60 रुपए उसे कार के रखरखाव और पेट्रोल डीजल पर खर्च करके पैसे बचाने पड़ते हैं। कंपनी के बिजनेस मैनेजिंग डायरेक्टर अनिकेत तिड़के ने कहा कि सरकारी राइड्स के रूप में सेफ राइड कैब एप्लीकेशन के जरिए ड्राइवर से केवल कमीशन विदर्भ के युवा बड़ी कंपनी से करेंगे अपील। साथ ही अन्य कैब सेवाओं की तुलना में 30% तक सस्ती सवारी सेफ राइड के जरिए 1,00,000 का रोजगार दिया जाएगा। बताना चाहूंगा कि हमारा जो सेफ राइड हमने कैब एप्लीकेशन अभी बनाया है, जो अभी हमने नागपुर में हम शुरू करने जा रहे हैं, हमने लॉन्च कर दिया हुआ है। इसकी शुरुआत ऐसी ही नहीं हुई थी कि हमें आना है ऐप बनाना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही है। ऑलरेडी कैब सर्विसेज नागपुर में है, पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है, चल रही है। पर जब भी हम नागपुर जाते थे तो ड्राइवर्स जो रहते थे, जो भी कंपनियों के अभी काम कर रहे हैं, तो उनसे हमको एक चीज़ ये पता चली कि समझ लीजिए 200 रुपये की अगर कोई राइड होती है तो वो बेचारा ड्राइवर समझ लीजिए उसमें 140 रुपये ही कमा पाता था। 60 रुपये लगभग पूरा का पूरा कंपनी रख जाती थी। अब वो 140 रुपये जो कंपनी ने कमाया हुआ है, वो 140 रुपये में वो बेचारे ड्राइवर को पेट्रोल भी भरना पड़ता था, अपनी EMI भी निकालनी पड़ती थी, मेंटेनेंस भी करो, घर भी चलाना है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए लगभग मुश्किल हो गया था ये सब कुछ करना, एक कैब चलाना। शुरुआत में तो उन कंपनियों ने उन्हें बहुत दिया, पर बाद में उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हमारी एक मीटिंग हुई थी नागपुर में कैब्स वालों के साथ में, तो उस पर से हमारा एक ये निकला, निष्कर्ष निकला कि हमें भी इस मार्केट में आना चाहिए, हमें भी अपनी कैब सर्विस देनी चाहिए। अब इसमें हम क्या नया दे रहे हैं, हम नया ये दे रहे हैं कि बाकी कंपनियां जो 25% से 40% तक का कमीशन खा जाती है कैब चालकों का, हम मात्र गवर्नमेंट जो टैक्सेस है 5%, वो हम उतना ही मात्र ड्राइवर लोगों से हम चार्ज करेंगे और बाकी की सारी कमाई हमारे ड्राइवर लोगों की, क्योंकि हमारी ये भावना है कि हम ही ड्राइवर के बदौलत हम ही कमाएंगे। तो ड्राइवर अगर खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, इस भावना के साथ हम लोग सेफ राइड ऐप की हमने शुरुआत की हुई है। मैं आपको बताऊंगा, अगर समझ लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं, अगर आपको दूसरे कैब सर्विसेज में समझ लीजिए आपको अगर 200 रुपये लग रहे हैं, तो आप अगर सेफ राइड यानी हमारे ऐप के थ्रू ही अगर आप ए से बी जाएंगे तो लगभग 30% तक का आपको फेयर में फ़र्क मिलेगा, 30% तक का।
यानी कि ऐसा भी नहीं है कि, और बाकी अदर जो कंपनियां हैं उनके अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, जैसे बारिश पड़ रही है पैसे ज़्यादा ले लेंगे, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो पैसे ज़्यादा ले लेंगे। हमारा एक नॉर्मल अल्गोरिदम है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हम हमारे जो कस्टमर्स है हम तो उनके जेब पे हम चोट नहीं पड़ने देंगे, कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी अफोर्डेबल वो राइड कर पाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे जो ड्राइवर्स भी है वो भी अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। हर सिटी की एक कैपेसिटी होती है, समझ लीजिए नागपुर में एक कंपनी है, उसको अगर उसका कैपेसिटी नागपुर का होगा ऑलमोस्ट 500 कैब का, तो ये लोग क्या बाकी कंपनी अदर कंपनीज करती ये है कि वो 1000 कैब्स ज्वाइन कराएगी, तो उसमें क्या होता है ना ड्राइवर का बिजनेस बढ़ जाता है। हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट है कि सेफ राइड के नागपुर में 300 ही कैब रहेगी और सारा का सारा बिजनेस जो रहेगा हमारे वो 300 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। तो ये हमारी एक